फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी एज 18 प्लस है, यानी कि आप 18 ईयर अबव हैं, तो आपको यहाँ पर वोट डालने का राइट मिल जाता है। यानी कि वोट डालकर आप अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। तो वोट डालने के लिए आपके पास एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। तो अगर आपके पास एक पुराना वोटर आईडी कार्ड है बट अब जो चेंज आ चुका है, यानी कि अब नया वोटर आईडी कार्ड का फॉर्मेट आ चुका है, तो अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो आप घर बैठे बैठे अपने नए वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। तो आपने कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल क्रोम में nvsp.in एंटर करना है। तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो हमने यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, तो इसके लिए हमने ई इपिक डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो अगर आपका ऑलरेडी इस पोर्टल पर अकाउंट है तो आपने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है। यानी कि आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करोगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड करोगे। देन आपने नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यानी कि आप यहाँ पर जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करना ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एंटर करोगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। देन आपने नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, पासवर्ड सेट करना है। देन आपने पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है यू आर सक्सेसफुली साइन अप। तो हमने यहाँ पर लॉगिन करना है। इसके लिए हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। देन नीचे हमने कैप्चा कोड एंटर करना है और रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से सेम पोर्टल पर एंटर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ई इपिक डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इपिक नंबर यहाँ पर एंटर करोगे या फिर अपना फॉर्म रेफरेंस नंबर एंटर करोगे। तो मैं यहाँ पर इपिक नंबर सिलेक्ट करूँगी। नीचे मैं अपना इपिक नंबर एंटर करूँगी। देन हमने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं, तो आपका यहां पर इपिक नंबर, आपका नेम, आपके रिलेटिव का नेम, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी कि सारी डिटेल्स आपको यहां पर शो हो जाएंगी। तो आपने यहां पर इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां लिखा हुआ है प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP वेरिफिकेशन। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड ई इपिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ई इपिक फॉर द ई इपिक नंबर हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। यानी कि आपका जो ई इपिक नंबर है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो न्यू वोटर आईडी कार्ड है, यानी कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो न्यू फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स भी शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने न्यू वोटर आईडी कार्ड को, यानी कि अपने वोटर आईडी कार्ड को न्यू फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
कंप्लीट डिटेल आपको क्लियर होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।